नमस्कार, मैं हूँ माया सूर्यवंशी। स्वागत है आपका माया फूड में। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है सूजी की जलेबी, जो कि बिल्कुल मावा जलेबी की तरह ही लगने वाली है आपको टेस्ट में। तो मेरी इस यूनिक रेसिपी को जरूर देखिएगा पूरा। तो चलिए जल्दी से हम सामग्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सूजी ली है, ये लगभग 40 ग्राम के करीब हमने सूजी ली है। 40 ग्राम सूजी के लिए यहाँ पे हमने 20 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है और दूध ले लिया है हमने एक बड़ी कटोरी के करीब। और इसके लिए हमें चाशनी भी लगेगी, जिस तरह से हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं उसी तरह की चाशनी भी आप बना के तैयार कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैन में सूजी को भून लेंगे। ज़्यादा भी हमें सूजी को नहीं भूनना है, बस थोड़ा इसका कच्चापन हमें हटाना है। तो ये देखिए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट हम दूध गर्म करने के लिए इसमें रख देंगे। दूध गर्म होने पर इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, छोटी चम्मच के करीब। साथ ही अब हम इसमें ये मिल्क पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो इसे चलाते रहिए कंटिन्यू। हम इसे मिक्स करेंगे, वैसे वैसे ये गाढ़ा होते जाएगा, तो हमें लगभग 3 से 4 मिनट इसे इसी तरह से चलाते रहना है। अब हम इसमें ये सूजी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से इसे मैश करते हुए हम इसे कुछ देर चलाएंगे। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है और इसे अच्छी तरह से हमें मैश करना है। जैसे जैसे ये ठंडा होते रहेगा आपको इसे मैश करते रहना है। आप चाहें तो उंगलियों में थोड़ा सा घी यूज करें। तो ये डो हमारा बन के तैयार है। तो अब हमने एक चकोटी ले ली है, इस पर भी थोड़ा सा घी लगा लें जिससे कि चिपके ना। और थोड़ा सा ये लोई को लेकर हम इसे इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए। और अब हम इसे जलेबी का शेप देंगे। बहुत ही आसानी से ये चिपक जाती है, इस तरह से इसे पिंच कर दीजिएगा जिससे कि खुले ना। तो इसी तरह से बाकी जलेबी भी हम बना के तैयार कर लेंगे। आप यदि चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी सारी जलेबियां बनके तैयार है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या फिर घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तेल को हमें ज्यादा गर्म नहीं होने देना है। तो अब हम इसमें इन जलेबियों को डाल देते हैं और मीडियम या फिर लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। इस तरह से आराम से आप डाल दीजिए। इन्हें टच बिल्कुल मत कीजिएगा जब तक कि ये नीचे से अच्छी तरह से पक नहीं जाते। अब इन्हें आराम से एक एक करके हम टर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा कलर हमारी जलेबी में आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और डायरेक्टली चाशनी में डाल सकते हैं। बाकी बची हुई जलेबियों को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये गुलाब जामुन की चाशनी ऑलरेडी है मेरे पास, तो इसमें अब हम इन जलेबी को डाल देते हैं। कुछ देर के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। तो बस जल्दी से इन जलेबियों ने चाशनी सूख ली है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह से सारी जलेबियों को तैयार कर लेंगे। तो ये दूसरी जलेबियाँ भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। हमने इसमें इलायची पाउडर इसलिए नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी हमारे चाशनी में इलायची पाउडर डला हुआ था, लेकिन यदि आप फ्रेश चाशनी बनाते हैं तो इलायची पाउडर ज़रूर डालें। तो हम इसे भी निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारी ये जलेबी बनके बिल्कुल तैयार है। ये वैसे बनी तो सूजी से है, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि ये सूजी की जलेबी है। तो आपको यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।